हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास टेन साइंस का चैप्टर नाइन यी एंड इवोल्यूशन से टॉप टेन इंपॉर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हंड्रेड परसेंट स्योर है क्वेश्चन मिल जाएगा तो इन क्वेश्चन की तैयारी आप लोग अच्छे से जरूर कर लेना और हाँ आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताना कि इन दस में से आपने कितनों के सही जवाब दिए हैं आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ से हो जाएगी और इसके पहले के भी चैप्टर के अगर आप लोग को इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन की वीडियोज़ देखनी होगी तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है जाके आप देख सकते हो पूरा चैप्टर भी हमने समझाया हुआ है कोई भी चैप्टर का आपको समझना होगा तो उसकी लिए भी लिंक दी हुई है तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इफ़ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट अब ये देखो इसके लिए यहाँ पे कोड दिया गया है राउंड के लिए कैपिटल आर यहाँ पे दिया गया है और ग्रीन के लिए कैपिटल वाई दिया गया है ये क्रॉस्ड हो रहा है रिंकल्ड येलो सीड प्ला, पी प्लांट के साथ तो रिंकल्ड के लिए देखो जो कोड लिया गया है यह स्मॉल आर लिया गया है और येलो के लिए स्मॉल वाई लिया गया है तो पूछा गया है कि जो सीड्स प्रोड्यूस्ड होगा फर्स्ट जनरेशन में यानी एफ वन जनरेशन में तो वो कैसा होगा देखो तो इसमें कौन सा डोमिनेंट करेगा वो डिपेंड करता है जैसे कैपिटल uh, आर और स्मॉल आर में यानी कि राउंड में और रिंकल में डोमिनेंट कौन करता है राउंड करता है तो कैपिटल आर होगा कैपिटल आर किसका था राउंड का तो राउंड होगा रिंकल तो होगा नहीं तो आंसर देख लो राउंड कहाँ एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है ठीक है चलो अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा अब यहाँ पर दिया गया है ग्रीन और येल्लो तो ग्रीन और येल्लो कलर में कौन सा डोमिनेंट होता है तो ये ग्रीन वाला डोमिनेंट होता है पढ़ा हुआ होगा आपने तो ये ऑप्शन बी हम लोग का राइट right आंसर हो जाएगा डी वाला नहीं होगा ठीक है राउंड एंड ग्रीन चलो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन अब इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जेनेटिक वेरिएशन का ऑप्शन में दिया गया है वन पर्सन हैज अ स्कार बट हिज फ्रेंड डज नॉट तो ये जेनेटिक वेरिएशन है नहीं बी है कि वन पर्सन इज़ ओल्डर देन द अदर तो ये भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं है थर्ड है रीता इट्स मीट बट हर सिस्टर गीता इज अ वेजिटेरियन तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ये भी मतलब जेनेटिक वेरिएशन हो ठीक है ये भी कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है ऑप्शन डी है टू चिल्ड्रेन हैव डिफरेंट आई कलर दो चिल्ड्रेन है लेकिन उसके जो आई कलर हैं वो डिफरेंट है तो ये एक जेनेटिक वेरिएशन को दिखा रहा है ठीक है तो ये हम लोग का राइट right आंसर है ऑप्शन डी नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर थ्री है हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ जेनेटिक्स इसमें से किसको कहा गया है मेंडल को एल्बर्ट आइंस्टाइन को डार्विन को या फिर मैरी क्यूरी राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए मेंडल अब आगे फिर क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया है इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड्स एंड कलर ऑफ सीड्स इन क्रॉस ऑन पी प्लांट्स रिजल्टेड इन अ ऑब्जर्वेबल रेशियो ऑफ इसमें से रेशियो ऑफ कौन सा है वो हमें पता करना है तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी होगा नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन ठीक है नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर फाइव पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटली इम्पॉसिबल आउटकम ऑफ मैंडल्स एक्सपेरिमेंट अभी इसमें बोला गया जो मैंडल के एक्सपेरिमेंट है उसमें से कौन सा एक इम्पॉसिबल आउटकम है जो आ ही नहीं सकता है तो थ्री टॉल वन शॉर्ट ये आ सकता है ट्वेंटी फोर टॉल एट शॉर्ट ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है बट ये नहीं हो सकता है कि चार टॉल होगा एक मीडियम हाइट वाला होगा है ना तो ये हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को सिक्स नंबर दिया गया है ए ट्रेट एंड इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाई इसमें ऑप्शन दिया गया है पैटर्नल डी एन एनली मैटर्नल डी एन डी एन बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डी एन या फिर नाइदर बाई पैटर्नल नॉर बाई मैटरनल डी एन इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन सी बोथ मैटर्नल एंड पैटर्नल डी एन जो ट्रेट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे तो मैटरनल और पैटर्नल माता पिता दोनों के डी से है ना नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर सेवन दिया गया है कि न्यू स्पेसिज मे बी फाउंड फॉर्म्ड इफ़ न्यू स्पेसिस मे बी फाउंड मतलब फॉर्म्ड हो सकता है ऑप्शन इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है पहला गया है कि डी एन ए अंडर गो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जर्म सेल्स तो ये स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है ठीक है इससे न्यू स्पेसिस फॉर्म हो सकती है सेकेंड है क्रोमोसोम्स नंबर चेंजेस इन द गैमेट ये भी सही स्टेटमेंट दिया गया है इसके बाद थर्ड दिया गया है देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल तो ये नहीं होगा और मेटिंग डज नॉट टेक प्लेस तो ये भी आपका नहीं होगा तो एक और दो सही हो रहा है आप देख लो एक और दो कहाँ पे सही है ऑप्शन ए में तो ये राइट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर एट पूछा गया है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन अब इसमें ऑप्शन दे दिया गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर बर्डिंग देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है वो इनमें से कहाँ पर होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता है तो नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है तो नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक uh, का भी जेनेटिक uh, मटेरियल का जो होता है वो एक्सचेंज होता है ठीक है तो राइट आंसर इसमें क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर नाइन दिया गया है द मेलनेस ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड वाई अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो चाइल्ड है वो मेल होगा इसमें से क्या मतलब ऑप्शन सही होगा द क्रोमोसोम्स इन द एक्स क्रोमोसोम्स इन द जायोट नहीं एक्स क्रोमोसोम्स अगर होगा तब तो, तो वो गर्ल हो जाएगा मेल नहीं होगा फीमेल होगा सेकेंड है द वाई क्रोमोसोम्स इन जायगॉट तो ये हम लोग का आंसर जो है बिल्कुल सही है ठीक है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा वाई क्रोमोजोम्स जायगोट में होना चाहिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर टेन दिया गया है कि द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स इन द जायगोट ऑफ ह्यूम्स इज अब यहाँ पूछा गया है कि जायगोट में जो सेक्स क्रोमोजोम्स के पेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं ह्यूमन में ह्यूमन का बात किया गया है तो ह्यूमन का जब बात आएगा तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा वन तो ये दस क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जामिशन में आ सकते हैं दूसरे वीडियोस में आगे हम और भी इसी तरह से जो भी हमारे एक्सरसाइजेज़ बच गए हैं उसके भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें थैंक यू